नमस्कार, आप सबका स्वागत है। एक लड़की थी सनम हसन, 19 साल की, पुणे के इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। दोस्तों के साथ पार्टी करने के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि उसकी मौत हो गई। फिर पीएम रिपोर्ट आई, उसने जो लिखा हुआ था उसने सबको चौंका दिया। सनम की डेड बॉडी से किसी लड़के का दिल निकला। जी हाँ, कहानी सच्ची है लेकिन यकीन करना मुश्किल। सवाल की क्या सनम पहले लड़की थी और मरने के बाद लड़का बन गई, या कातिल ने कुछ ऐसा खेल रचा कि सब घूम गए। क्राइम सीरीज में आज वो मर्डर मिस्ट्री, जिसमें मर्डर तो हुआ लेकिन 5 साल बाद भी गुनहगार का पता तक नहीं चला। मुंबई की रहने वाली सनम हसन अपने घर से दूर पुणे में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई थी। माँ बाप की लाडली को दोस्तों का भी खूब प्यार मिलता था। सनम को कॉलेज में भी घर की कमी नहीं खलती थी। अक्टूबर महीने में उसका का बर्थडे था। सबकी तरह उसे भी इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार 3 अक्टूबर का दिन आ ही गया। दोस्तों ने सनम के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। उन्होंने सनम के पापा को फोन कर सनम के लिए नाइट आउट की इजाजत मांगी। बेटी की खुशी के लिए पिता ने परमिशन दे दी। 4 तारीख की सुबह दोस्तों ने सनम के घर फोन किया। उनकी आवाज में घबराहट थी। हकलाती आवाज में उन्होंने सनम के पिता को बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। खबर मिलते ही माँ बाप पुणे के लिए रवाना हो गए। वो आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि उनकी बेटी मर चुकी है। दोस्त बता रहे थे कि पार्टी करते वक्त अचानक सनम की तबीयत बिगड़ गई, उसे उल्टियां हो रही थी, इसलिए रूबी हॉल क्लिनिक में लाकर एडमिट करवा दिया। ससुन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ और डेड बॉडी के कुछ पार्ट विसरा रिपोर्ट के लिए भेजे गए। लेकिन इसके बाद हॉस्पिटल ने जो रिपोर्ट दी वो चौंकाने वाली थी। सनम की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसकी डेड बॉडी में किसी लड़के का दिल है, वो भी 70% ब्लॉक। सनम की कलाई पर 4 इंजेक्शन लगाए गए थे। सीने में करीब 3 सेमी का एक गहरा घाव था। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा शराब पीने की वजह से सनम का दिल ब्लॉक हो गया, जिसके चलते उसकी मौत हुई। पहले तो घर वालों को शक था कि उनके बेटी की हत्या की गई है, जिसे हॉस्पिटल की रिपोर्ट ने और गहरा कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि सनम फुटबॉल प्लेयर थी, तो फिर दिल का 70% हिस्सा ब्लॉक होना उन्हें पच नहीं रहा था। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये कि आखिर उनकी बेटी की डेड बॉडी से किसी लड़के का दिल कैसे निकल सकता है।